आज का जो वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो गलती आपने टर्म वन में की थी, क्या वो गलती आप दोबारा दोहराएंगे टर्म टू के अंदर? अगर आप वही गलतियां, सेम मिस्टेक जो आपने टर्म वन में की थी, वही गलतियां अगर आप टर्म टू देते वक्त पे करेंगे तो टर्म टू का रिजल्ट भी आपका खराब होगा। जिस तरीके से आपने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करा, ये वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था, मैं वीडियो बनाना ही नहीं चाह रहा था। मैंने सोचा यार क्या ही वीडियो है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बच्चों को कोर्सेज दे रहे हैं, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे क्लासेस दे रहा हूँ, 8th, 9th, 10th के एनसीईआरटी कंप्लीट करा रहा हूँ, काफी है, बच्चे तैयारी कर लेंगे, समझदार है। लेकिन बच्चों ने इतनी बड़ी गलती करी, इतनी बेवकूफी करी कि जिसकी हद नहीं है। अब बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर टर्म वन में आपने जो कहा था वही हुआ और हमारा रिजल्ट खराब हुआ। रीजन सिंपल था, मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है, लेकिन नहीं, यूट्यूब पे 50 तरीके के वीडियो आपने देखे, कोई कुछ स्ट्रैटेजी बता रहा था, कोई कुछ स्ट्रैटेजी बता रहा था, उन स्ट्रैटेजी को आपने फॉलो किया और रिजल्ट आपके सामने आया। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने सिंपल सा कहा था कि भाई टर्म वन एमसीक्यू बेस होने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप एमसीक्यू पढ़ेंगे। आपने पहली मिस्टेक सबसे बड़ी ये करी कि आपने एमसीक्यू के ऊपर अटैक किया। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुमित मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो गलतियां आपने टर्म वन में की वो अब हमें टर्म टू में नहीं करनी है। टर्म टू क्लास 9th और क्लास 10th के जो भी बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी टर्म टू देने वाले हैं वो डिटेल से पूरा कंप्लीट इस वीडियो को देखना, तभी बातें समझ में आएंगी। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मिस्टेक्स आपने कर दी, ठीक है, जो मिस्टेक अपन कर देते हैं वो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मिस्टेक हमने की अब वो हम दोबारा ना दोहराएं, उन मिस्टेक को हम रिपीट ना करें, ताकि हमें पछताना ना पड़े। क्योंकि अब आप लोग पछता रहे हो, 9th के बच्चे मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके ये बोल रहे हैं कि सर आपने जो कहा था वही हुआ। 10th के बच्चे मैसेज करके बोल रहे हैं सर आपने जो बोला था वही हुआ। भाई होना ही था, मैंने उस टाइम भी एक वीडियो बनाई थी, अभी भी यूट्यूब पे आप जाके देखना मैंने क्या कहा था कि एमसीक्यू का मतलब कभी ये नहीं होता कि सिर्फ आप एमसीक्यू पे फोकस करें। एमसीक्यू कहां से बनते हैं, बिना थ्योरी के एमसीक्यू थोड़ी बनते हैं। जब एमसीक्यू हम तभी सॉल्व कर पाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा, हमने थ्योरी को डिटेल से पढ़ा है, हमने हर एक चैप्टर को डेप्थ में जाके पढ़ा है, तब जाके रिजल्ट आएगा। लेकिन नहीं, बोर्ड वालों ने गोली आपको दे दी, आप चूसते रहे, अब रिजल्ट आपके हाथ में है। काफी बच्चे, मतलब कि जो आपने सोचा था वैसा रिजल्ट नहीं रहा आपका, आपने 99% सोचा था, अब आपको 90 ही मिलेंगे, क्योंकि मिस्टेक आपने की है तो भुगतोगे भी आप लोग। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टर्म टू में आप ऐसी गलतियां ना करें, जो मिस्टेक आपने वहां करी थी टर्म वन के अंदर अब वो आप टर्म टू में ना करें। तो ये तीन बड़ी गलतियां जो आप लोगों ने की टर्म वन के अंदर वो अब आपको टर्म टू में नहीं करनी है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, आप अगर क्लास 9th के बच्चे हैं, क्लास 10th के बच्चे हैं, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करें। 9th और 10th दोनों के लिए 15 दिसंबर से मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, एक रुपया उसका चार्ज नहीं है। यहीं यूट्यूब के ऊपर लाइव आके पढ़ाने वाला हूं, एक एक चीज पूरी बारीकी से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेमो लेक्चर है, आपने पढ़ ली और हो गया, नहीं, पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं आपको दूंगा टर्म 2 का, क्लास 9th और क्लास 10th का। 15 दिसंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पूरा प्लानिंग मैंने करी है। अब कौन सी बुक होंगी, कौन से रिसोर्सेज होंगे, अगर आप उस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो यह मैं वादा करता हूं आपसे कि आप टर्म 2 में अच्छा स्कोर करके आएंगे। क्योंकि मैं जब भी कोर्सेज डिजाइन करता हूं तो आप लोग जानते होंगे कि कॉम्बिनेशन में काम करता हूं, मैं कभी भी पर्टिकुलर किसी बुक को फॉलो करते हुए काम नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है एग्जामिनर क्या सोचता है, मैं उसकी सोच के अकॉर्डिंगली आपको कोर्सेज डिजाइन करके देता हूं और आपका रिजल्ट अच्छा आता है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा, हम क्या कर रहे हैं, आरडी का भी कॉम्बिनेशन लेंगे, एनसीईआरटी पे भी काम करेंगे, एग्जाम्पलर पे भी काम करेंगे, पीवाईक्यू भी काम करेंगे, इन चारों चीजों को कंबाइन करके आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स मैं डिजाइन करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक रुपया चार्ज नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको इसी चैनल के ऊपर आपको डिटेल में चीजें मिलने वाली हैं। और दूसरी चीज मैं आपको यही बोलूंगा, ये तीन मिस्टेक दोबारा मत करना, एक तो रिवीजन अपना मत छोड़ना, एक अपने डाउट कभी स्कीप मत करना। एमसीक्यू है, एमसीक्यू तो अब टर्म टू में आने वाले भी नहीं है, तो मैं थ्योरी आपको पूरी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दूंगा। तो दोस्तों स्ट्रैटेजी का वीडियो मेरा आने वाला है, इस वीडियो के ऊपर एम करता हूं मैं 1000 लाइक का। जैसे ही 1000 लाइक हो जाते हैं, टर्म टू की क्लास 9th की अलग स्ट्रैटेजी लाऊंगा, क्लास 10th की अलग स्ट्रैटेजी लाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफी है, तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खिलखिलाते रहना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप